दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग न्यूज आईक्यू की तरफ से निकल के आ रही है। पिछले न्यूज में मैंने आपको बताया कि जो आईक्यू 11 प्रो है वो ऑलरेडी BIS पर तो लिस्ट हो गया है। इसके अलावा अब न्यूज आ रही है कि आउटसाइड द चाइना मलेशिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड आउटसाइड द चाइना यह पहला फोन होगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। वैसे वीवो X90 सीरीज के अंदर भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा वीवो X90 प्रो प्लस 5G में। एंड साथ में अदर स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो डिस्प्ले को लेकर लीक्स है कि इसके अंदर 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ में वीवो के फोन्स की तरह इसमें भी V2 चिप आपको देखने को मिलेगा जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए काफी अच्छा होता है। तो फिलहाल अभी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है। एंड जहां तक बात रही इंडिया की तो इंडिया में आने में इसे अभी 1-2 मंथ बाकी है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है फिर बात करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, हर रोज की तरह आज की भी टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आज भी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी ढूंढ कर लाया हूं, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक वॉच करके जाना। एंड साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना है। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की ओर। अगली न्यूज की बात कर लूँ तो वो नोकिया की तरफ से निकल के आ रही है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट पर काफी सारे फोन्स अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाले हैं। एंड अब न्यूज आ रही है कि नोकिया की तरफ से पहला गेमिंग स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। एंड वह फोन रेड मैजिक 8 प्रो के नाम से लॉन्च होने वाला है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एंड अगले कुछ हफ्तों में और भी काफी सारे फोन्स ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट पर आ ही रहे हैं। तो जब आएगा फिर बात करते हैं। अगली न्यूज में बात कर लूँ तो वो अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर है। ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट पर कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगले कुछ महीनों में और कौन से फोन लॉन्च हो सकते हैं उसकी भी कुछ अपडेट मैं इस टेक्नोलॉजी में देने वाला हूँ। एंड मोटोरोला की तरफ से मैं मोटो X40 की बात कर लूँ तो उसके अंदर भी लीक्स आ रही है कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा IQ के जो IQ 11 सीरीज है उसके अंदर तो आ ही रहा है। एंड पिछले ही दिन OnePlus ने भी कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 11 के अंदर भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो जो अगला 1-2 मंथ है उसमें जितने भी टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाले हैं सब में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। वैसे आप कौन से फोन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली न्यूज की मैं बात करूं तो वो पोको की तरफ से निकल के आ रही है। पोको X5 बहुत जल्दी चाइना में तो लॉन्च होने ही वाला है। साथ में अभी यह BIS एंड FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर इसे स्पॉट किया गया है। एंड इनफैक्ट BIS पर लिस्ट हो गया है तो बहुत जल्दी यह इंडिया में भी लॉन्च होते हुए दिखेगा। एंड इसमें मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ तो लीक सारी के स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट देखने को मिल सकता है। साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। तो पहले यह चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। एंड जितने भी अपकमिंग फोन्स है उनमें से मोस्ट ऑफ द फोन्स BIS पर ऑलरेडी स्पॉट किए ही गए हैं। तो अगला जो 2-3 मंथ है उसमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ साथ मिड रेंज के स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए नजर आने वाले हैं। अगली न्यूज में बात कर लूँ तो वो Xiaomi की तरफ से निकल के आ रही है। पिछले कुछ न्यूज में मैं ऑलरेडी आपको बताता आ रहा हूँ कि Xiaomi भी फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह गूगल पिक्सल फोल्ड के ऊपर काम कर रहा है। एंड फाइनली उसका जो प्रोटोटाइप है वो बाहर आया है। एंड क्लियरली इमेज में आप देख सकते हो कि इसका जो प्रोटोटाइप है वो काफी हद तक मेट X सीरीज है उसके जैसा ही लग रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर ज्यादा डिटेल्स तो अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से Xiaomi भी फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है। एंड बहुत जल्दी Xiaomi के भी फोल्डेबल स्मार्टफोन आपको मार्केट में नजर आते हुए दिखने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा टेक्न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। एंड आज की जितनी भी टेक्न्यूज थी उसमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना। एंड जो लोग भी नए जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करें तो किस बात की भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे अपना फीडबैक जरूर देना कि आज की टेक्न्यूज आपको कैसी लगी। साथ में जिन लोगों ने पिछले दिन का टेक्न्यूज नहीं देखा मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी जरूर जाके वॉच कर सकते हो। एंड रेगुलर टेक अपडेट्स देता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ यार, भाई को सपोर्ट जरूर से करना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना ही, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो टेक न्यूज देखते रहो, साथ में माई को सपोर्ट भी करते रहो। तो इस टेक न्यूज में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक न्यूज में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।